इस अर्थ का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और 29% हिस्सा पर जमीन है, मतलब ये दुनिया 70% पानी में है। लेकिन क्या आपको मालूम है इस दुनिया को बने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं। आज के दौर में इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा को ही एक्सप्लोर किया गया है। इस समुद्र के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है, ये समुद्र कितना गहरा है, ये सब लोगों से छिपा हुआ है। क्या कभी आपने गौर किया है सबसे गहरा ओशन कौन सा है और उस ओशन में क्या हो सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर टॉप 5 डीपेस्ट ओशन की बात की जाए तो 5वें नंबर पर है आर्कटिक ओशन, 4थे नंबर पर है साउथर्न ओशन, 3रे नंबर पर है अटलांटिक ओशन, 2रे नंबर पर है इंडियन ओशन और 1ले नंबर पर है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट हिस्सा है मरियाना ट्रेंच, जिसको चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एवरेज गहराई है 4,280 मीटर यानी 15,813 फीट और मैक्सिमम गहराई है 10,911 मीटर यानी 35,876 फीट। चैलेंजर द्वीप का नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप HMS के नाम पर रखा गया था, जिसने दुनिया की पहली रिसर्च जर्नी की थी। 23 मार्च 1875 को साइंटिस्ट ने चैलेंजर द्वीप की गहराई की आवाज रिकॉर्ड की 26,850 फीट की गहराई से। चैलेंजर द्वीप इतना गहरा है कि इसकी गहराई माउंट एवरेज की ऊंचाई से 7 गुना ज्यादा गहरा है, यानी इसमें 13 बुर्ज खलीफा डूब सकता है, फिर भी कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा। चैलेंजर द्वीप के अंदर बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, झींगा, समुद्री कीड़े, सी कुकुम्बर्स, ये कुछ क्रिएचर्स है जो चैलेंजर द्वीप के गहराई में रह सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं इसके गहराई में और भी बहुत सारी क्रिएचर्स मौजूद है। कुछ फिश को भी चैलेंजर द्वीप के गहराई से तलाश किया गया है। एक मरियाना स्नेल फिश, इसको 26,000 फीट के गहराई में देखा गया है। ये फिश ट्रांसपेरेंट होती है। और दूसरा बैरल आए, इसके पास ट्रांसपेरेंट सर और ट्यूबुलर आंखें हैं, जिसको वो रोटेट कर सकती है ऊपर और नीचे देखने के लिए। इतने गहराई में यहाँ पानी का टेम्परेचर 1 से 4 सेल्सियस डिग्री है और पानी का प्रेशर 10,000 गुना ज्यादा है समुद्र के ऊपर के प्रेशर से। यहाँ किसी भी इंसान का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। यहाँ इतना लो टेम्परेचर है और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी भी इंसान के बॉडी को बॉयल और चकनाचूर कर सकता है। इसके सबसे निचले हिस्से पर बिलियंस ऑफ ईयर से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, ये पूरा जगह डार्कनेस है। चैलेंजर द्वीप में अब तक सबसे गहरा डाइव का रिकॉर्ड विक्टर विस्कोबो के नाम है, जो एक अमेरिकन एक्सप्लोरर और बिजनेसमैन है, जिसने लिमिटिंग फैक्टर सबमरीन से 10,927 मीटर की गहराई तक डाइव किया था 28 अप्रैल 2019 को। इसके साथ वो दुनिया का पहला इंसान भी बन गया टॉप 5 डीपेस्ट ओशन में डाइव करने वाला। दो और लोगों ने चैलेंजर द्वीप में डाइव किया था, डॉन वॉल्स और जैक स्पीकर्ड ने 1960 में, और टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी चैलेंजर द्वीप में डाइव किया था 25 मार्च 2012 को। पैसिफिक ओशन पूरे अर्थ का 46% और पूरे प्लैनेट्स का 32% वाटर को कवर्स करता है। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे नेचुरल फीचर्स मौजूद है, जैसे सबसे ज्यादा आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है, करीब 25,000 आइलैंड मौजूद है पैसिफिक ओशन में। इसी तरह वोल्केनोज, पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है किसी और ओशन के मुकाबले, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी तरह कोरल रीफ्स, करंट्स, ये सब मौजूद है पैसिफिक ओशन में। जितना यह पैसिफिक ओशन गहरा है उतना ही डेंजरस है इंसानों के लिए, जैसे बॉक्स जेलीफिश, ये ट्रांसपेरेंट होती है और दिखने में बेल के शेप में होती है। इसके पास लंबे लंबे डंक मौजूद है, जो किसी इंसान को लग जाए तो इंसान बहुत ज्यादा दर्द में रहेगा और यहाँ तक कि उसकी मौत हो सकती है। इसी तरह ब्लू रिंग ऑक्टोपस, ये दिखने में छोटा और कलरफुल होता है, लेकिन इनके बॉडी में बहुत ज्यादा वेनम मौजूद होता है, जो अपने बाइट से इंसान के बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट कर सकता है, जिससे इंसान के बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा और सांस लेने में परेशानी होने लगेगी और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। चैलेंजर द्वीप में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ग्रेट व्हाइट शार्क भी है। ये बहुत बड़ी और पावरफुल शार्क में से एक है। इसके पास सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और तेज दांते मौजूद है, जो किसी भी इंसान पर अटैक कर सकती है जो कोई भी उसके इलाके में दाखिल होता है या उसको शिकार करने की करता है। उन्हीं में से एक स्टोन फिश से, जो दिखने में चट्टान की तरह होती है, जिसको देख पाना या ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसकी रीढ़ की हड्डी में वेनम मौजूद होता है, जो कोई भी इसको टच करता है या गलती से इस पर पैर रख देता है वो मौत के मुंह में जा सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है पैसिफिक ओशन में जो इंसानों के लिए खतरा है। लेकिन अगर आप पैसिफिक ओशन में स्विम करते हो और आपको जेलीफिश या शार्क या कोई भी डेंजरस एनिमल्स नजर आती है तो आप क्या करोगे? उनसे सेफ रहने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप उनको अवॉइड करो और जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर आने की कोशिश करो और ओशन में किसी भी अनजान चीज को टच मत करो। या अगर आपको जेलीफिश नजर आए तो उनके नजदीक स्विम मत करो और उनसे दूर हट जाओ, क्योंकि अगर आप उनको टच कर देते हो तो आप किसी भारी मुसीबत में फंस सकते हो। इसी तरह किसी फिशिंग बोट्स और डेड एनिमल्स के नजदीक स्विम मत करो, इन सब चीजों से शार्क अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप अंडर वाटर
शार्क को देखते हो तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है और ना ही ज्यादा हिलना डुलना है। आहिस्ता आहिस्ता स्विम करते जाओ और उनसे दूर हट जाओ। अगर वो आप पर अटैक करती है तो आप कोशिश करो उसके आंख, नाक और गले पर फाइट मारने की। ये कुछ टिप्स है जिनको अप्लाई कर आप अपने आप को सेफ रख सकते हो जब कभी भी आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाओ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।